मौसम ने करवट बदली और ठंडी हवाएं चली तो साथ ही चलपनी बीबियां, दादियां और नानियां सरों पर रुई का ढेर उठाए अम्मा शरीफा के पिंजे की तरफ। इस्लाम नगर की रिहायशी 75 साल अम्मा शरीफा 35 बरसों से रुई पींज रही हैं। गाहकों की गांठों को पहले तोलना फिर रुई को पिंजे पर लगाना शरीफा बीबी की कमाल हिम्मत है। रूं दे दे के मशीन तो कट कट के रजाई भरी दिया। टूटी फूटी मैली कचैली रुई धूप की मानी सफेद और सुंबल की तरह रेशम सी बनकर पिंजे से जब झूमते हुए निकलती है तो बर्फबारी का सोगुमान होता है। बाजारों में बिकने वाले मशीनी लहाफ को तो बीबियां रजाई ही नहीं मानती। मशीन से निकलने वाली रुई को लहाफों में भरा जाता है और फिर चलता है अम्मा शरीफा का डंडा। रुई कूटने के दिलचस्प मुनाजिर से दिल लुभाने बच्चे बालड़े भी आन धमकते हैं। फिर सुई धागे से टांके लगाकर लहाफ नंगंदा जाता है। पिंजाई भराई और सिलाई की मजदूरी 150 रुपए, पुरानी रजाई मामूली रकम की इव्ज नई और गर्मा गर्म बन जाती है। शरीफा बीबी का ये डंडा साल हा साल से जहां रुई कोट कोट कर कारोबार गर्मा रहा है, वहीं लोग इन रिवायती गर्म बिछौनों से ठिठरते मौसम के जोर का तोड़ भी कर रहे हैं। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शहनाज महमूद, समा, फैसलाबाद।